पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। रविवार देर शाम गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। लोगों के घर में विघ्नहर्ता विराज चुके हैं। गणपति का स्वागत हुआ और अलग अलग जगह सार्वजनिक पंडाल भी लगे हैं। आप देख सकते हैं कि मूर्ति स्थापना के साथ ही कैसे गणपति बाबा की स्तुति शुरू हो चुकी है। सिद्धि विनायक आराधना कर रहे हैं, जहां बस देखो गणपति बप्पा मोरिया की ही गूंज सुनाई दे रही है। और खास तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के लाल बाग के बादशाह, इसके अलावा कई जगह एक से बढ़कर एक गणपति की जो मूर्तियां हैं वो लगाई जाती हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती हैं। आप देख सकते हैं सिद्धि विनायक की मंदिर की तस्वीर और लाल बाग के राजा की ये तस्वीर है, और साथ में गणेश टेकड़ी नागपुर में भी आप देखिए कि कैसे विघ्नहर्ता की उपासना में आराधना में जुटे हैं लोग। यही मांग रहे हैं कि जितने भी हमारे जीवन के कष्ट हैं, जितने भी मार्गों के विघ्न बाधा हैं, वो सब गणपति दूर करें और घर में खुशहाली लाएं। तो गणेश चतुर्थी के लिए आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी की गई है। तो ये मूर्तियों को देखने का खास तौर पर इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है कि इस बार क्या कुछ नया प्रयोग उन्हें देखने को मिलेगा। सिद्धि विनायक के दर्शन कीजिए आप समाचार प्रेस के साथ, और लाल बाग के राजा आप देख सकते हैं कि किस तरह से विराजमान है। उनका सिंहासन देखिए आप, उल्लू भी नजर आ रहा है उसमें, जो लक्ष्मी का वाहन है, और काफी खूबसूरत तरीके से ये विशाल काय प्रतिमा बनाई गई है।